पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय पैरा एथलीट्स का शानदार परफॉर्मेंस लगातार जारी है। एक के बाद एक मेडल भारत की झोली में आ रहा है और इन्हीं में से एक गोल्ड मेडल दिलाया है बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में नितेश कुमार ने। वाकई में नितेश कुमार की जो स्टोरी है वो बेहद इंस्पायरिंग है। दरअसल नितेश कुमार अपने पिता को नौसेना में देख, उन्हें वर्दी पहनता देख हमेशा से खुद भी वर्दी पहनना चाहते थे। वो देश के लिए सर्विसेज में सर्व करना चाहते थे, इवन वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन महज 15 साल की उम्र में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने नितेश के हर एक सपने को तोड़ के रख दिया। जी हाँ, महज 15 साल की उम्र में साल 2009 में विशाखापट्टनम में जो ट्रेन हादसा हुआ, उस हादसे में नितेश ने अपना एक पैर खो दिया, जिसके बाद नितेश कुमार का वर्दी पहनने का सपना, स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का सपना, ये सब एक सेकंड में चकनाचूर हो गया। जिसे लेकर खुद नितेश ने कहा, मेरा बचपन थोड़ा अलग रहा है, मैं फुटबॉल खेलता था और फिर ये दुर्घटना हो गई, मुझे हमेशा के लिए खेल छोड़ना पड़ा और पढ़ाई में लग गया। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। दरअसल नितेश को अपनी पढ़ाई के दौरान ही बैडमिंटन और पैरा बैडमिंटन के बारे में पता लगा और फिर क्या था, उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और लगातार अपनी कड़ी मेहनत से आज उन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत को गोल्ड मेडल जिता दिया। इवन यू नो व्हाट, नितेश जो खुद इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनकी इंस्पिरेशन कौन है? दरअसल उनकी इंस्पिरेशन है उनके साथी पैरा शटलर प्रमोद भगत, और नितेश विराट कोहली के फैन है, जिसे लेकर उन्होंने कहा, प्रमोद भैया मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो कितने स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो एक इंसान के तौर पर कितने हम्बल हैं। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने जिस तरह से खुद को एक फिट एथलीट में ट्रांसफॉर्म किया है, मैं इसलिए उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ, अब वो इतने फिट और डिसिप्लिन है। तो नितेश के इस जज्बे को स्पोर्ट्स कीड़ागी टीम की ओर से एक बहुत बड़ा सैल्यूट, जहां पर नितेश ने ना सिर्फ भारत को प्राउड फील कराया है बल्कि उन्होंने इतनी सारी चुनौतियों को पार करके इस गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। हमारी बेस्ट विशेस तो नितेश के साथ हमेशा रहेंगी कि वो आगे भी इसी तरह से परफॉर्म करते रहे और भारत की झोली में इतने सारे मेडल डालें कि वाकई में पूरा देश उनकी ओर देखे एक इंस्पिरेशन की तरह। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिस इज मी नीव गोस्वामी साइनिंग ऑफ। लेकिन जाने से पहले स्पोर्ट्स कीड़ा इंडिया के यूट्यूब चैनल को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।